अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अज़ीम हाज़िर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज काफ़ी दिनों के बाद मैं एक डेजर्ट की रेसिपी लेकर आया आपके लिए। स्वीट डिश है, बनाना बहुत आसान है, मार्केट में ये बहुत मशहूर है, एक स्ट्रीट फूड है। तो ये जो स्पेशली इंडिया पाकिस्तान में तो ये बहुत मशहूर है, साउथ एशिया के अंदर बहुत मशहूर है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और ये रेसिपी नंबर वन है। तो मैं आप लोगों के लिए इंस्टेंट जलेबी लेकर आया हूँ, यानी सॉरी जलेबी, क्योंकि जलेबी इजी जलेबी, इसे बनाना बहुत आसान है। जो जो मैं आपको टिप्स बताऊंगा, आपने जस्ट उन चीज़ों का ख्याल रखना है तो आपकी भी बाजार जैसी बनेगी, वो बहुत अच्छी और मज़े की बनेगी। चलिए दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मैंने सारी तैयारी यहाँ पे करके रखी हुई है, तो मैं आपको बताता हूँ, तो आप नोट डाउन करना उसे और इसे शुरू करते हैं बनाना। जलेबी बनाने के लिए मैंने ऐसे मैं थोड़ी क्वान्टिटी में बना रहा हूँ, अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है तो आप इसे डबल ट्रिपल कर लीजिएगा। उसके लिए हमने जलेबी बनाने के लिए मैंने क्या किया है, 1 कप मैंने मैदा लिया है, 3 मैंने सबज इलाची लिए, इसे तोड़ लिया मैंने सारा दाने से अलग कर लिए, ताकि इसकी जो फ्लेवर अच्छे तरीके के साथ जो हम सीरप बनाएंगे उसमें आ जाए। 1/2 कप हमें चाहिए थिक दही इस तरह का, 1/2 कप चाहिए हमें पानी, 1 कप हमें चाहिए चीनी, और ये है ऑरेंज कलर। मेरे पास ऑरेंज कलर नहीं था, मैंने थोड़ा सा रेड और थोड़ा सा येलो मिला के ऑरेंज कलर बना लिया। जब मैं इसे मिक्स करूँ तो ये ऑरेंज कलर बहुत ब्यूटीफुल कलर आ जाएगा। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स है, ये लेमन जूस है 1 टेबल स्पून के करीब, यही वाला चम्मच मैंने फ्रेश लेमन निकाला है, ये देखिए। 1/4 हम इसे इस्तेमाल करेंगे, 1/4 से 1/2 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर, क्योंकि ये इंस्टेंट है। तो नेक्स्ट जो है फ्राई के लिए हमें चाहिए 2 कप के करीब तेल है, ये मैंने फ्राई पैन में रखा हुआ है। और जो जलेबी बनाने के लिए हमें इस तरह के नैरो नोज़ल चाहिए, जैसे ये, अगर आपके पास कोई भी है कैचअप की बोतल ले लें, या इवन देन आप प्लास्टिक बैग ले लें, उसमें कॉर्नर से कैंची के साथ काट लें, उसके साथ भी आप जलेबी बना सकते हैं। तो मैंने ये वाली बोतल ली है, और इसकी नोज़ल देख सकते हैं आप कितनी मोटी है, ना बहुत ज़्यादा मोटी ना बहुत ज़्यादा बारीक है। चलिए दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं इसके चीज़ों को। सबसे पहले एक बर्तन ले लें, इसमें हम बनाते हैं सिरप, ठीक है, जो फर्स्ट प्रोसेस है। सबसे पहले हम बनाएंगे सिरप इसका, 1 कप चीनी डाल दें, 1/2 कप पानी और सबज इलायची, और इसे हम हीट के ऊपर रखेंगे बहुत ही हल्की आंच पे। लें जी दोस्तों, हमारा बॉईल आ चुका है और अच्छे तरीके के साथ इसमें ये कुक हो चुका है। अब हम इसे उतार लेंगे सिरे को, और अगर आपने कुरकुरी या क्रिस्पी जलेबी खानी है तो आपने इसे रूम टेम्परेचर पर लेना है, अगर आपने थोड़ी सी सॉफ्ट खानी है तो इसे आपने नीम गर्म के अंदर इसके अंदर जलेबी डालनी है। चले दोस्तों नेक्स्ट जो प्रोसेस करते हैं हम, चले दोस्तों जलेबी का जो हम बैटर तैयार करते हैं, इसके लिए मैंने एक बर्तन ले लिया खुला सा, इसमें 1 कप मैदा शामिल कर दें, 1/2 कप दही, 1 से 2 पिंच मैंने लिया है येलो और रेड कलर मैंने मिक्स कर लिया है। अगर आपके पास ऑरेंज कलर है तो आप ऑरेंज कलर 2 पिंच इसमें डाल दीजिएगा, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और दोस्तों हमने इसे इस जो बैटर हम तैयार कर रहे हैं जलेबी के लिए, इसे ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है ना ज़्यादा बहुत गाढ़ा, तो एज़ पर रिक्वायर्ड आपने इसमें पानी शामिल करना है। जैसे आप बाज़ार में देखते हैं जलेबी का जो बैटर होता है, इस तरीके से हमने इसे तैयार करना है। थोड़ा सा पानी और शामिल करते हैं, देखिए जी ये अब रिक्वायर्ड हमारी थिकनेस है,
ये बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। अब हम इसे छोड़ते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, उसके बाद फिर मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ क्या करते हैं। नहीं जी दोस्तों, तकरीबन ऐसे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट मैंने इसे रखा है, ठीक है। अब हम इसके अंदर जो लास्ट स्टेप है वो ऑर्डर करते हैं, इसमें जो 1/2 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर डालते हैं, या 1/4 भी डालेंगे तो चल जाएगा, लेकिन 1/2 टीस्पून के करीब डालें तो ज़्यादा बेटर है, ताकि हमारी जलेबी अच्छे तरीके के साथ खुले। चलें दोस्तों, ये लास्ट स्टेप है, इसे हम इसे मिक्स करते हैं। दोस्तों ये लास्ट स्टेप इस तरह से आपने फौरन इसे मिक्स करना है और बोतल में भरना है और आपने जलेबी बनाना शुरू कर देनी है। मेन वाइल हम इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप है वो कर लेते हैं। दरमियानी आंच के ऊपर हम जलेबी के लिए वेजिटेबल ऑयल रख देते हैं 2 कप के करीब है। नहीं जी दोस्तों, तेल अच्छे तरीके के साथ गर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, जलेबी बनाएंगे। दोस्तों जैसे आपको शेप पसंद है उस हिसाब से बना लें, मैं तो इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ। दरमियानी आंच में आपने करना है, दोस्तों हम इसे 3 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे, उसके बाद हम इसे शीले में डिप करेंगे। तो जैसे ही होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आपने दरमियानी आंच के ऊपर इसे आपने कुक करना है क्रिस्पी होने तक। नहीं जी दोस्तों, तकरीबन हमारी जलेबी को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अच्छे तरीके के साथ मैंने पलट पलट के इसे पका लिया। देखिए बिल्कुल हो चुकी है। अब हम इसे एहतियात के साथ, अगर आपको सॉफ्ट पसंद है तो आप इसे अभी उतार लें, वरना 2 से 3 मिनट और दे दें ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। बिल्कुल परफेक्ट तैयार है दोस्तों। शेप आपके ऊपर डिपेंड करती है, अगर आपको परफेक्ट शेप चाहिए तो आप इस बैटर को थोड़ा सा और गाढ़ा कर दीजिएगा। मुझे बस ऐसे ही चाहिए, मुझे कुरकुरी पसंद है ज़्यादा। मैंने दोस्तों सब गाड़ते हैं और स्ट्रेट टू सीरे में डाल देते हैं। इस तरह आप 1 से 2 मिनट के लिए फ्लिप कर लें और निकाल लें। दोस्तों देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, मजे की बनी है। चलो दोस्तों ये सारे करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देंगे दोस्तों हमारी होममेड मज़ेदार इंस्टेंट जलेबी तैयार है। दोस्तों इसे मैंने टेस्ट किया है, बिलीव मी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टी है, इवन देन बाज़ार से ज़्यादा अच्छी है। इसमें बहुत ही मज़ेदार सबज इलाची का जायका आ रहा है और दही डालने की वजह से इसमें एक मखसूस जो बाज़ार वाला फ्लेवर है वो आया है। शेप्स मुझसे कोई ख़ास नहीं बनी, अगर आपको शेप बिल्कुल परफेक्ट चाहिए आप थोड़ा सा थिकनेस इसका जो बैटर है उसे थिक कर लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्राउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें और मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा और हर हाल में आपने सब्सक्राइब करके जाना है ताकि आपके लिए मैं लेटेस्ट अपडेट्स और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँ, रेसिपी की, किचन टिप्स की, ड्राइंग्स की और उसी किस्म के जितने भी होम रेमेडीज़ वगैरह होती है उसकी और यूज़फुल बातों के साथ। मुझे इजाज़त है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।